मान रही अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुगरा सदफ। पिलाक लोक स्टूडियो तुहानू असीं जैन आखने आ। तुसीं देखदे हो अक्सर कि पिलाक लोक स्टूडियो विच इक रौनक दा समां रहिंदा, रोज़ कई प्रोग्राम इत्थे रिकॉर्ड हो रहे हुंदे ने। इह रौनक जिहड़ी है इह फनकारां नाल है, साडे शायरां नाल है, अदीबां नाल है, और इह उह लोक ने कि जिहड़े मुआशरे नूं खूबसूरत बनांदे ने और मुआशरे नूं रहिण दे काबिल बनांदे ने। तुसीं अंदाज़ा करो, ख्याल करो इक ऐसे मुआशरे दा कि जिहदे च संगीत ना होवे, सुर ना होवे, शायरी ना होवे, ते फिर उह अजीब तरहां दा मुआशरा होवेगा। ते असीं जिहड़ी अपने आल दुआल इक मुहब्बत दी लहर तकने आ, अमन तकने आ, रवादारी तकने आ, उहदे विच इहनां फनकारां दा बड़ा हिस्सा है। इस लई कि साडे फनकार साडे सफीर ने पूरी दुनिया विच साडी पहचान करांदे ने। अज असीं नायत आबद होरां नाल इक खसूसी शाम दा इहतमाम कीता है। तुसीं सारे जाणदे हो कि नायत आबद साडे मुल्क दे बड़े मारूफ गुलूकार ने और गज़ल ते माशाला बहुत सोहणी गाउंदे ने, गीत गाउंदे ने। होर भी कई हवालिया नाल उहनां दा तारफ असीं तुहाडे सामने रखांगे। साडे नाल मारूफ गुलूकार भी हैं जिहड़े कि उहदे बारे उहनां बारे गल करनगे, म्यूजिशियनज न। ते असीं मेरे ख्याल है कि पहले चलने आ इनायत आबद होरां नाल, ते पहलां असीं उहनां नूं बिस्मिल्ला करने आ, जियां नूं आखने आ, और दोबारा और असीं कहने आ कि बिस्मिल्ला करो और सानूं कोई गज़ल गीत कोई चीज़ सुनाओ। बिस्मिल्ला। कली तेरे जे कोई सच पूछे कोई भी, सच पूछे
गुलाब तेरे जाना जेड़ा भी सवाल किता किता जेड़े रंग दा खूबसूरत एक समां जड़ा ना सी हमेशा कहने के जदों सुनी दा गीत लेकिन अज तुसी आगाज ही एहो जे गीत तू कीता कि कली तेरे जई ने और जिहड़ी तारीफ इस गज़ल विच है उस तारीफ नूं तुसी सुरां विच वाकईतन ढालिया इस तरह कि एक सरापा जड़ा है ना वह सामने आ गया पूरा माहौल मंजरनामा तो बड़ा चंगा लगे तुसी मैनूं दसोगे अपने हवाले नाल ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਬੜਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਾਪੂਲਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਗਜ਼ਲੀ ਗਾਣੀ ਹੈ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਹੈ ਫਿਲਮੇ ਕੀ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜੀ ਸਵਾਇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਅੱਛਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਟ੍ਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਤਕਿਲ ਗਜ਼ਲ ਗੀਤ ਗਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਮਨੂ ਭਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨੈਤਾਬਤ ਇਹ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਗਾ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਜੀ ਅਤੇ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਬ ਆਪਣਾ ਔਰਗਨ 'ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਨੈਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵਜਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਜਾਓ ਜੀ ਸੁਣ ਜਗਦੀ ਬਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ
ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਗਦੀ ਤੇ ਜਗਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ छुपा के गल करें दी कुंजला पा के अपने दिल दा पेत छुपा के नाल अदावा डंग दी ते डंग दी बे चंगी लगदी चंगी लगदी ओ चंगी लगदी आए चंगी लगदी ओ चंगी ਸਬਜ਼ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਤੇ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਐ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅਸਮਾਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅਸਮਾਨ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਗਦੀ ਤੇ ਜਗਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ
खूबसूरत चंगी लगती। और ये असी इन्हों का गीत सुन के तो मुन्नू भाई की याद भी आ गई, क्योंकि मुन्नू भाई का लिखा हुआ कलाम। और इनायत आबा साहब कह रहे सन कि मुन्नू भाई ने खुद इन्हों कहा कि यार है मेरा कलाम गा दे, तो चंगी लगती। मैं गाना जो सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि साढ़े जोड़े गाने ने पंजाब के उन्हों भी एक खैर का अंसर है, जिस तरह सूफिया का कलाम है कि वो पिछे खैर की गल हों, लोगों के भले की गल हों। तो साढ़ा भावें फिल्मी तुम गीत सुन लो पंजाब का, या गीत कोई होर सुन लो, गज़ल सुन लो, वो भी तुम्हें सूफियाना झलक महसूस होगी। तो जी एक उन्होंने सूरत सामने लिया दुआवा मंगण वाली। तो सलामत रवो इनायत आबे साहब साढ़े नाल ने, इमरान फारूकी साहब साढ़े मुल्क के बड़े मारूफ मौसीकार ने। तो मैं इमरान फारूकी साहब नूं दरखास्त करांगी कि तुसी इनायत आबद होरां बारे कोई साढ़े नाल विचार सांझे करो कि तुसी इन्हां दी गायकी दे हवाले नाल, इन्हां दी शख्सियत दे हवाले नाल की कहना चाहोगे। सब तो पहले तो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, तुसी बुलाया, और पलाक दा बहुत बहुत शुक्रिया। इनायत आबद मेरा भाई है, और एक बड़े अच्छे फनकारां दे विचों एक बड़ा अच्छा आवाज़ कलाम का मालिक है, और इनू जो मकाम मिलना चाहिए और मिलना चाहिए सी वो अल्लाह दी देन है। लेकिन बहुत अच्छा आर्टिस्ट, बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा है, फिर एजुकेटेड आदमी है, और बड़ा नाप तोल के गाँव है, और फिल्म च भी गाया इनायत आबद, स्टेज भी टीवी शीवी सब कुछ किया, ऐसी गायकी अच्छे एक उस्ताद दा जड़ा एक मकाम होंदा है ना, मतलब उहदे विच परवेज मेहदी साहब अल्लाह उहनां नूं जन्नत नसीब करे, आसिफ जवेद साहब मेरे कोल बैठे ने, होर भी जिहड़े इहनां दे कैलिबर दे आर्टिस्ट हैगे ने, इह उहनां दे विचों अच्छे तसलसल है माशाल्लाह। आवाज़ कलाम मैनूं बड़ा आबद दा पसंद है, और मैं मेरे ख्याल आबद साहब नूं कोई पंज छे गज़लां वी अपणियां गवाईयां ने, और बड़े इहनां ने बड़ा नाप तोल के गाया, और उहनां दा एक इहनां ने पूरा कीता जो मैं बनाया सी उन्होंने, ओदे नाल इंसाफ की, यानी मुसीकार दी जड़ी सोच होंदी है, हैसियत दे नाल ना जी जी, इन्होंने मेरी ओ सोच नूं पाया तकमील तक पहुंचाया। वाह वाह सुभान, हुण वी जिहड़े दो गीत सुने ने बड़ा मजा आया, भोपाली दे पहला भी भोपाली सी ते ओदे विच इन्होंने मिक्स कीता, बहरहाले भोपाली दा सी बड़ा अच्छा सी। वाह सुभान अल्लाह, मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ते आसिफ जावेद मेहदी साहब तुसी बड़े चुप करके बैठे हो, तुसी की कहोगे कि अज दी जिहड़ी इन्हां दी इनायत आबद होरां नाल असीं शाम मना रहे हां, ते इन्हां दी गुलूकारी लाइव दुनिया नूं भी सुना रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ते पिलाक लोक स्टूडियो दी इस सारी जिहड़ी कारवाई है उस हवाले नाल कोई चानण पाओ। देखो जी, पिलाक ने एक हिम्मत कीती है उस दौर च जिहड़ा कि दौर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, लेकिन फनकार नूं तुसीं रिस्पैक्ट दित्ती है, उन्हूं बुलाया है। इनायत आबद दे मुतलक मैं की कह सकदा, मेरा पुराना जुट जिहनूं कहिंदे ने ना, एक साथी है, जवानी भी कठे गुजारी है, बुढ़ेपे च भी कठे बैठे हैं, बुढ़ेपा ही होगा बुढ़ेपे तो बहुत ज्यादा अच्छा। इनायत आबद बुढ़ेपे पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं करता, भावे सीढ़ियां चढ़ने में देखी नहीं चढ़िया गई, लेकिन फिर भी अच्छा लगे, कर लेना चाहिए। दलेर आदमी है, और इन्हें मुकाबला किया बुराई बुरे वक्त भी, उन्हें अपने आप को सहारा अल्लाह ताला देता है, मैनू खुशी हुंदी है कि जिसले अच्छा गाँदा ते गाने तो मतलब मैं तो की कह सकना, साढ़े नाल ही पलिया, साढ़े नाल ही दौड़दा पैदा रहा है, इन्हें भी काफ़ी कष्ट कट्टी है, असं भी कट नाल ही कटते रहे हैं, ते बहुत इमरान फारूकी की गल है कि नसीबा नाल कोई नहीं लड़ सकता, बहुत शुक्रिया आसिफ जावेद मेहदी साहब। तुहाडा ना मैं एक निक नेम रख लेना, मैं की आख सकना, क्योंकि साढ़े माशाल्लाह एक बड़े वड्डे इंजमाम उल हक साहब जिहड़ी गल करदे सी नहीं तो शुरू करदे सी नहीं, ते तुसी ना जदों भी सवाल करो तुसी ये जरूर कहंदे हो मैं की आख सकना, ये तुहाडी हलीमी है, हलीमी दा इजहार करदे हो तुसी, हुण तुसी आखदे हो ना, हां ते हुण मैं आख दित्ता, हुण आइंदा तुसी ये नहीं आखणा कि मैं की आख सकना, तुसी कुछ कहना है, और तुसी हालांकि मनदे हो उहनां नूं, और तुसी कहना है खुल के कहो, और हुणे जी बिल्कुल खुल के कहो, और देखो मैं कोई गल रखी कोई इस गल मैं की कह सकना, फिर ओही गल है, तुसी कह अज तुसी कहदे हो अच्छा कह सकना, हाँ तुसी 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 क्यों कहंदे हो मैं की कह सकना, तुसी कहो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो।
ਸੂਰਿਆ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਬੇਸੁਰਿਆ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਸਭ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕੋਝਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਨਕਸ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਝਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਕੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਕੋਝ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਦਾ ਕੋਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਬੇਸੁਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੰਘਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਨਾਇਤ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਲਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਨਾਇਤ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਗੱਲਾਂ ਜਮਾਨਾ ਕਰੇ ਲੱਖ ਗੋਰੀਏ।
उडार रवेगी सांझी जित रवेगी ते सांझी हार रवेगी सावेरे ये पावे हो जब ये पख जोड़िए नहीं सावेरे ये पावे हो जाइए कख जोड़िए सानू मौत भी ना कल पाए पख गोरिए नहीं हौसला दिल तक गोरिए नहीं हौसला